पत्नी को बोल रहे थे कि तिल चाउर का भूजा ली गणेश जी पूजा, तिल चाउर का भूजा ली गणेश जी पूजा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताजवे में। तो चलिए दोस्तों, गणेश चतुर्थी की हम दूसरी कथा सुनेंगे। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा कथा और वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, और किसी के काम में आए तो शेयर भी कीजिएगा। तो कथा प्रारंभ करने से पहले हम हाथ में पुष्प ले लेंगे, और देखिये इस प्रकार से अक्षत और फूल लेकर ही हमें कथा सुननी चाहिए। जितने भी लोग आप लोग बैठे हैं, हम लोग एक समूह में बैठ जाते हैं, अगर घर में और भी लोग रहते हैं तो एक साथ कई आदमी मिलकर सुनते हैं। पहली कथा मैं सुना चुकी हूँ, चैनल पे चेकआउट कीजिए। ये जो है हमारा दूसरा कथा है, तो आप लोग बने रहिए। सास बहू और उनका लड़का रहते थे और उनके बच्चे भी थे। तो सास बहू की जोड़ी तो ऐसे ही फेमस है दुनिया में, आप लोग को मालूम ही है। और ये रिश्ता ऐसा खट्टा मीठा रिश्ता है ना, किसी का अच्छा है किसी का बुरा है, लेकिन जिंदगी को ऐसे ही लेकर चलनी है। बहुत सारे वीडियोज मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ सास बहू के लिए, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। तो किसी गांव में उनका बेटा रहता था, माँ रहती थी और उसकी पत्नी रहती थी और दो बच्चों के साथ। तो एक समय की बात है, गणेश चतुर्थी का व्रत आया माघ महीने में, 10 तारीख को ये व्रत पड़ा है, आप लोगों को मालूम ही है। और कथा हमें पूजा के बाद सुननी है, यही पूजा करेंगे और यही इसी स्थान पर बैठ के हमें कथा सुननी चाहिए। सास बहू की जो जोड़ी थी वो दोनों गणेश चौथ का व्रत रखी थी और उनका पुत्र जो थे वो कहीं ना कहीं अपने कामकाज पर चले गए थे, और ये दोनों जो थी व्रत रखी थी। तो जो सास थी वो बड़े ही शुद्ध और पवित्र मन से गणेश जी के नाम पर व्रत रखी थी, और ये निर्जला और निराहार ये व्रत रखा जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमें रखनी चाहिए जरूर, और संतान के दीर्घायु के लिए सभी को मालूम ही है। तो वो रखी थी बड़े ही सच्चे मन से। और बहू जो थी वो छल कपट से पूरा भरी पड़ी थी, झूठ भी बोलती थी, मतलब कुछ भी उसका सही नहीं था। और वो बहू जो थी वो बस लोगों के नजर में सभी जानते थे कि ये भी व्रत रखी है, लेकिन वो कोई व्रत नहीं रखी थी। वो क्या की थी कि नहाए खाए से पहले ही भूजा भून के, जो भूजा मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ ना, भूजा बोलते हैं भूनना, जो ऐसे ही रोस्ट किया जाता है, तो बालू में मतलब रेत में या नमक में भी लोग भूनते हैं सूखा ड्राई बिना तेल का। तो भूजा भुजवा के रख ली थी तिल और चावल का, और मछली बनाकर रख ली थी, और चावल भात बनाकर रख ली थी, और बना के और क्या करती थी कि व्रत के दिन सास जानी है कि बहू भी भूखी है और मैं भी भूखी हूं, तो आज भोजन किसके लिए बनाना है, चलो बेटा कुछ खा लेगा, पोतों को कुछ खिला देगा, दोनों आराम से अपना व्रत थी। लेकिन बहू बहुत चालाक थी और दिन भर बोल रही थी, ओह मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, ऐसे मतलब ड्रामे बहुत कर रही थी, नाटक। और जब अपने रूम में जाती थी, कमरे में जाती थी, तब वो क्या करती थी कि चावल का भूजा एक इस गाल में डाल लेती थी, एक इस गाल में डाल लेती थी, और कुछ देर खाने के बाद फिर वो मांगुर मछली, मछली का नाम था, और भात वो भी खा लेती थी, और फिर बाहर आके ड्रामा करती थी, नाटक करती थी कि मुझे भूख लगी है ऐसे वैसे। तो सास तो बेचारी समझती थी कि चलो सच में इसको भूख लगी होगी, नया नचर है तो चलो इसको भी भूख लगी होगी। लेकिन ये चीज कौन देख रहा था, उसका पति ही देख रहा था, कोई नहीं देख रहा था, उसका पति देख रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं, चुप से मुस्कुरा कर वहां से चला गया। और रात जब हुआ, शाम हुआ, तो दोनों सास बहू ने गणेश जी का अच्छे से सच्चे मन से दोनों सास बहू ने पूजा पाठ किया। सास जो थी बड़े ही सच्चे मन से की थी, श्रद्धा के साथ व्रत रखी थी। तो पूजा हो जाने के बाद बहू ने कहा अपने पति से कि जो पति थे वो बोले कि ठीक है आप लोग पूजा पाठ कीजिए, कुछ देर रुक जाइए, मैं जाता हूँ गांव में लोगों को अर्घ दिलवा के आता हूँ, फिर आप लोग को दोनों सास बहू को एक साथ ही दिलवाऊंगा। तो उसकी पत्नी बोली कि क्यों जा रहे हैं, हम लोग को बहुत तेज, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, प्यास लगी है, आप मत जाइए, पहले हम लोग को अर्घ दिलवा दीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। तो बोले रुको ना, दो मिनट में ही आ रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लगेगा, दो चार घर में दिलवा कर और फिर आता हूँ, तो माँ को और तुमको साथ में ही दिलवाऊंगा। तो चले गए और ये लोग इंतजार कर रही है कब आएंगे कब आएंगे, तब आए। तो उसके पति ने अपनी माँ को बहुत ही अच्छे से, मतलब जो नियम विधि है अर्घ दिलवाने का, और क्या मंत्र है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ हमें देनी है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो आए तो अपने माँ को अच्छे से अर्घ दिलवा दिए, अर्घ देकर भी मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा।
और उसके बाद से बहू को जब अपनी पत्नी को दिलवा रहे थे तो पत्नी को बोल रहे थे कि तिल चाउर का भूजा ली गणेश जी पूजा, तिल चाउर का भूजा ली गणेश जी पूजा। तो बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे जान गए हैं, कोई बात है, जरूर ये कुछ जानते हैं। तो फिर बोले मांगुर मछली ढेल ढेलौरा भात ली गणेश जी पूजा, तिल चाउर का भूजा ली गणेश जी पूजा। तो बोली कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, अपनी माँ को तो बड़ा अच्छे से दिलवाए हैं। बहू को जो था गुस्सा आ रहा था कि अपनी माँ को तो बड़ा बढ़िया से दिलवाए और मेरे साथ ऐसा सब मंत्र का उच्चारण क्यों कर रहे हैं। तो बोले कि तुम जानती हो कि कोई जानता नहीं है, हमारी माँ सुबह से बिना खाए पिए निर्जला निराहार व्रत रखी है, हमारी माँ के साथ तुम्हारा क्या तुलना है, हमारी माँ तो सुबह से भूखी है प्यासी है और तुम क्या की हो, सुबह से नाम है कि व्रत रखी हो और घर में जब जा रही हो तब तुम तिल चावल का भूजा खा ले रही हो, ठीक है, मछली खा ले रही हो, भात खा ले रही हो और कह रही हो कि मैं व्रत रखी हूँ, तो बताओ तो तुमका तुम्हारे लिए कौन सा मंत्र बोलूं, चंद्रदेव का मंत्र बोलूं, तो ये व्रत थोड़ी ना, तुम तो मतलब ढोंग कर रही हो, तुम तो नाटक कर रही हो, ये इसको तो व्रत नहीं कहते हैं। अब बहू जो थी पत्नी जो थी बहुत अधिक शर्म आ गई और शर्म के मारे सास भी सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि सुबह से तब ड्रामे कर रही थी और बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है प्यास लगी है जल्दी से मतलब शाम कब होगा और ये सब तब इसके नाटक थे। और ये सुनकर वो बहुत शर्म आ गई और फिर बोली कि हे गणेश जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं अगले साल आपका व्रत बड़े ही शुद्ध मन से सच्चे दिल से रखूंगी, हमारे साथ कोई गलती मैं नहीं करूंगी, इस बार मुझे जरूर माफ कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से बहू की प्रार्थना जो है गणेश जी ने स्वीकार किया और ये हमारा जो दूसरा कथा है यहीं पे समाप्त होता है। तो ये फूल हम गणेश जी के पास चढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कथा था, तो आशा करती हूँ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।